जी बहुत बहुत शुक्रिया। पहले से ही पेशन गोई थी, मौसम अमूमन 9 तारीख तक जो है इसी पैटर्न से रहेगा, और अभी वाइड स्प्रेड बारिशें खासकर वैली के अंदर, जम्मू के कुछ एक इलाकों में, बाकी जम्मू के मैदानी इलाकों में जो है वेदर क्लाउडी है। तो अभी 8th को भी जो है मौसम अमूमन क्लाउडी रहेगा और बारिशों का सिलसिला रहेगा, खासकर जम्मू डिवीज़न के अंदर हैवी रेनफॉल के चांसेस हैं, एक दो स्टेशंस में वेरी हैवी के भी चांसेस हैं। और यहाँ वैली के अंदर जो है दरमियाना दर्जे की बारिशें, खासकर साउथ कश्मीर और एडजॉइनिंग डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ जम्मू के अंदर जो है दरमियाना दर्जे की बारिशें होंगी। सेंट्रल कश्मीर और नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट्स, इन जगहों पे हल्की बारिशें, ओकेजनली कुछ एक जगहों पे मॉडरेट इंटेंसिटी की भी बारिशें हो सकती हैं। बाकी वेदर जो है इसी पैटर्न का लगभग 9 तारीख तक रहेगा, फिर उसके बाद 10 से जो है अमूमन मौसम ठीक रहने के चांसेस हैं क्लाउडी, लेकिन अर्ली मॉर्निंग और टुवर्ड्स लेट आफ्टरनून या इवनिंग में कुछ एक जगहों पे लाइट शावर्स उसको रूल आउट नहीं कर सकते हैं। तो फिलहाल ज्यूरिंग नेक्स्ट 2 to 3 days जो है वेदर जो है थोड़ा इंक्लीमेंट रहेगा। अभी प्रेसिपिटेशन के हिसाब से तो हमें लग नहीं रहा है, खासकर कल जो है थोड़ा लो लाइंग एरियाज़ में वाटर लॉगिंग के प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, कुछ एक जगहों पे टेम्प्रेरी वाटर लॉगिंग, और लो लाइंग एरियाज़ में कुछ छोटा मोटा पानी जमा हो सकता है, माइनर फ्लड्स जिसको कहते हैं। बाकी एज सच कोई कंटिन्यूस प्रेसिपिटेशन नहीं है, खासकर 8th तारीख को छोड़ के, बाकी बारिश के हिसाब से हमें लग नहीं रहा है कि कोई कंटिन्यूस प्रेसिपिटेशन रहेगा। अभी बारिशें जो है वहाँ आज अर्ली मॉर्निंग से चल रही है, हल्की बारिशें रुक रुक के, तो फिलहाल यात्री इसको जो है मूवमेंट के लिए अभी अलाउ नहीं किया गया है। तो जैसे ही वेदर खुलेगा, आज थोड़ा सा बारिशों में थोड़ा सा रुकावट आएगा, पॉज आएगा, तो इन बिटवीन जो है यात्रा जो है फिर से रिज्यूम हो सकता है।